एवरीवन, इनिशियली ये नहीं होना चाहिए था, बट द सेल एट ज़ारा वाज सो गुड कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई. एंड हियर वी आर लाइक एवरी ईयर डूइंग अ ज़ारा सेल हॉल. तो मैंने एंड एंड के सेल में शॉपिंग किया क्योंकि तभी द प्राइसेस वर द लोएस्ट एंड तभी मुझे कलेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. तो मैं स्टार्ट करूंगी बैग्स के साथ क्योंकि पर्सनली बैग्स से मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है. तो मैंने तीन बहुत ही यूनिक बैग्स पिकअप किए सेल में से. द फर्स्ट वन इज वेरी क्लासिक एंड सिंपल ब्लैक बैग. अभी इस पे ना सेल का टैग 990 का लगा था एंड मेंटली मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि 990 ही भरना है. बट माई फ्रेंड्स, जब मैं बिलिंग काउंटर पे गई तभी इट वॉज ओनली फॉर 590. एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे बाद में पता चला कि इसके अंदर दो वॉलेट्स आते हैं फ्री विद दिस. एंड आई वेंट क्रेजी, ओके, कि 590 में यू गिविंग मी अ वेरी गुड लुकिंग बैग जिसपे चेन है एंड द स्ट्रैप इज ऑल्सो लाइक वेरी नाइस लुकिंग. Plus, you give me two pouches. I am sold. Slept underneath the stars, and the music has taken me far. Just me and my guitar. The second bag that I bought, वो थोड़ा experimental है, मतलब एकदम 90s vibes देता है. Because तभी I remember कि ऐसे beads वाले bags बहुत normal थे use करना. एक basic outfit के साथ भी, even if I wear this like this, तो बहुत ही unique vibe data, and that's what I like to shop for in the Zara sales. Reason, yeah. And all the places I have seen, they all felt like a home. Every day is a new scene outside my comfort zone. And all the girls are calling me. And my third bag is a tote bag. Ekdam beachy vibe hai, and under bhi ek transparent pouch hai. नेक्स्ट चूज करते हैं बिकॉज बैग्स के बाद शूज एक्साइट मी. वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स इज दिस पेयर ऑफ स्नीकर्स. अभी चंकी वाइट स्नीकर्स का ट्रेंड आके चला भी गया एंड देन आई एम बाइंग दीज. तो आई फाउंड दीज वंस फॉर 1,500. द एम आर पी सेज 5,000. Like a bird, flying free. Next is a classic pair of block heels. Every time Zara का sale होता है, I try to pick up one classic pair जो मुझे चल जाए अगले sale तक. तो मुझे ये time ये black वाले heels मिल गए जिसके ऊपर एक ankle strap है. It's very chunky. तो आई थिंक ये सारे आउटफिट्स के साथ ईजिली चले जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ माई साइज़. काफ़ी बार मैं सेल के चक्कर में गलत साइज़ ले लेती हूँ सोच के कि आई एडजस्ट टू इट, बट दैट्स रॉन्ग, वी शुड नॉट डू इट. दिस टाइम सेल के एंड में फ्लैट्स बहुत अच्छे थे एंड बहुत सस्ते थे. फाइनली आई हैव गॉट सेंसेस इन मी एंड मैं फ्लैट्स ज़्यादा पहनती हूँ कम्पेयर टू हील्स. तो वन पेयर दैट आई पिक्ड अप इज दिस येलो कलर के फ्लैट्स. देर अ वेरी नाइस पॉप ऑफ कलर, इंडियन के साथ भी अच्छे लगेंगे. सेकेंड पेयर वी हैव इज अ लिटिल फैंसी. दे लुक लाइक दीज एंड इसमें एक और कलर था रेड कलर, लेकिन दीज वंस वो मोर वेरेबल. मुझे लगा कि ज़्यादा आउटफिट्स के साथ ये जाएगा एंड ये एकदम म्यूटेड, एकदम क्लासी लुक दे रहा था. एंड ही कम पहनती हूँ लेकिन बंद नहीं किया पहनना, तो आई पिक्ड अप दीज. मैंने तो ये पहले ले लिए थे पर मैंने अदिति श्रेष्ठा धारकुआ की मिस के वीडियो में देखा था दैट इवन शी बॉट दीज, बट आई बॉट देम अ लिटिल लेटर बिकॉज शी बॉट फॉर 1,490 एंड आई गॉट दीज फॉर 990. सो इट वॉज अ ग्रेट स्टील. स्पेशली जो भी ऐसे कलर्ड वाले हील्स होते हैं ना, उनके प्राइस ज़्यादा ही होता है. आई डोंट नो व्हाई. सो 1,000 रुपये के नीचे गेटिंग दीज हील्स वॉज टोटली वर्थ इट. समथिंग जो मैंने सबसे ज्यादा पहना है सिंस द टाइम आई बॉट इट आर दीज फ्लैट्स
स्लैश हील्स, क्योंकि इसका इतना ही हील है एंड इट्स वेरी छोटू, प्लस इट्स ट्रांसपेरेंट तो इतना दिख के नहीं आता. सो मैंने ये बहुत ज़्यादा पहने हैं एंड दे आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल बट दे लुक रियली नाइस, तो मैनेज हो जाता है. लाइक आई कैन वेयर देम फॉर अ गुड 3 hours, आई कैन वॉक इन देम फॉर 3 hours. And the last one is the most practical. ये black flats मेरे को मिले. I have never owned something like this. And literally I wear these every single day. जो मैंने मॉम के साथ शॉपिंग चैलेंज किया था उसमें आई पिक्ड अप अ बेरे फॉर 290 एंड दिस टाइम मेरे को ये प्रॉपर बेकर बॉय या कंडक्टर, आई डोंट नो ये हैट का नाम क्या है बट आई नो दैट ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है. तो आई गॉट दिस ऑल्सो फॉर 290. इट्स क्रेजी द प्राइस. इस पे टैग है क्या, सेज 1590 गाइज. कितना डिस्काउंट मिला इवन आई कैन कैलकुलेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. And the last accessory I have is this scarf. मैंने कभी एक scarf use, ऐसा वाला scarf use नहीं किया. मैंने हमेशा वो लंबी चद्दर type scarf use किया है. But again, I've seen a lot of Instagram bloggers use this in their hair and गले के आसपास बांधना या back के ऊपर बांध देना and making the bag look a little more pretty. तो I thought कि सेल में ही ऐसा सब ट्राई करना चाहिए and this one I got only for 290. बैग, एक और बैग था विच आई फॉरगॉट टू शो यू विच आई हैड शोन यू इन द मंथली फेवरेट्स. आई पिक्ड अप दिस गॉर्जियस बैकपैक फ्रॉम ज़ारा का मेन सेक्शन. फाउंड दिस इन द सेल फॉर 1,500 ओनली विच आई थिंक इज अ ग्रेट प्राइस फॉर दिस ट्रेंडी एंड दिस साइज ऑफ अ बैकपैक. यही चीज़ जब विमेन सेक्शन में मैंने देखी थी इन सब अदर ब्रांड, इतना छोटा था एंड आई एम लाइक हम क्या लैपटॉप यूज नहीं करते, वी इवन वी हैव स्टफ टू फिल यार. Now we move on to clothes. इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं जितने मैं पहले लेती थी but I think 10-12 तो होंगे. One of my favorites is this dress. जब मैं मेरे birthday shopping के लिए गई थी I almost bought this dress और फिर मैंने रख दिया and I'm so glad कि मैंने रख दिया because originally this was for 2,300 but I got this for 590. Never give up your song before it makes it through. Never lay down and die with your music. अगर मैंने बर्थडे में ले लिया होता ना इतना रिग्रेट होता था ना. देन आई हैव अ वेरी फैंसी पेस्ट्री लुकिंग ड्रेस. लाइक आई एम प्रिटी श्योर जब मैं पहनूंगी आई एम गोना लुक लाइक अ पेस्ट्री और लाइक अ फ्लावर क्योंकि इसमें इतना वॉल्यूम है. वैसे काफ़ी छोटा है बट इसके जो स्लीव्स हैं ना बहुत बड़े हैं. सेज 3990 बट वी गॉट दिस फॉर 590. I think all the dresses that I bought were for 590 flat, all of them, which includes this play suit. Trial room में जब मैंने ये पहना I just could not figure it out कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, ये क्यों मुझे बराबर से फिट नहीं आ रहा है, but I still bought it क्योंकि मुझे बहुत cute लगा and घर पे आने के बाद I figured कि इसके नीचे एक partition है, ये shorts है नीचे. इसके साथ एक matching rubber band भी free आता है. I didn't know Zara did all these things. Judge the day, we'll stand in the light of the dawn.
I have two tops, actually three, क्योंकि ये जो मैंने पहना वो भी I bought from the recent sale only. This one was for 390. And same में मैंने black color लिया, which looks like this. And then I picked up this basic white loose top. मैंने बहुत टाइम से लूज कपड़े पहनना छोड़ दिया सिंस द टाइम आई हैव यू नो स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन माय ओन बॉडी बट देन आई फिगर्ड कि एक लूज टॉप चाहिए एंड आई गॉट दिस वन फॉर ओनली 290 इन द सेल And the last few things are in this bag. मैं कल ही change करा के लेके आई थी दो तीन चीज़ें उसके बदले I bought these. I bought three dresses. The first one I picked is this blue dress. What it's all about. And how to make you smile again. Something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world. Then I have this green color का dress. बहुत straight है, इसमें कुछ ज़्यादा shape नहीं है, इसलिए I plan to wear this with a belt. Make you feel like you're safe, 'cause all I need is just someone like you, someone like you. And the last one is this red color का dress. This is not at all my size, but इसको मैं बैंडो के साथ पहन लूँगी क्योंकि with a belt and a bandeau it'll look very very fancy and it won't look like a 590 rupees का dress at all. You don't have to feel like this, yeah we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it, oh baby try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world. So these were almost all the things that I picked. There are a couple more things जो धोने को गए हैं from the sale, but this was amazing. If you want to know ये sales कब आते हैं, then you can follow me on Instagram क्योंकि मैं stories पे काफी time post करती हूँ कि कहाँ पे क्या sale चल रहा है, कितना percent off है, collection क्या है, if I'm going to the mall. And if you enjoyed watching this haul, then that makes me very very happy and I'll see you in the next one. Until then, goodbye.